चैप्टर वन में हम लोगों ने सीखा था अभिकस पकड़ना, अभिकस क्लियर करना और बीट्स की वैल्यू समझना, आंसर बार कौन सी होती है, आंसर कैसे समझा जाता है, इसको हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में। और पुराना वाला भी हम लोग छोटे वीडियो जब इस पे भी वापस समझेंगे जो चैप्टर वन में समझा था। एक बार हम लोग पेज नंबर टू देखते हैं तो हमारी बुक में कुछ इस तरह की डिजाइन बना रखी है, मतलब ये बीट्स की ही डिजाइन है, ये बीट्स ही हैं, ये सेंटर की जो बीट्स है उसी को यहाँ पर दिखा रखा है बुक के अंदर। छोटे टूल से भी समझाऊंगा तो बच्चों को बेसिकली बीट्स की वैल्यू समझ में आए, इसलिए ये शुरू के दो पेज बता रखे हैं, पेज नंबर टू एंड थ्री। बहुत ईजी है और उसके बाद फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो सबसे पहले इस बीट्स की वैल्यू समझते हैं। हमने सीखा था ऊपर वाली बीट से उसकी वैल्यू 5 है और नीचे वाली बीट की वैल्यू 1 है, तो बस इसी को बच्चों से भरवाना होता है। जैसे आप देखेंगे सबसे पहले जैसे पहला क्वेश्चन उसमें आंसर टू भरा हुआ है इसके अंदर, मतलब दो बीट्स नीचे हैं वो टच हो रही है आंसर बार से। ये सेंटर वाली बीट है इसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ऊपर वाली बीट दिखा रखी है जो 5 की, नीचे 5 भरा हुआ है, तो आपको इस नीचे वाली बीट्स के आंसर भरने। अभी छोटे टूल से करके, टूल की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ये तो वैसे भी हम लोग भर सकते हैं, ठीक है। अब उसके साथ साथ हम लोग चाहेंगे तो इस तरह के ये बच्चों के फ्लैश कार्ड्स भी दिखा सकते हैं। जैसे आप किसी बच्चे को ये दिखाते हैं तो देखे, बच्चा देखेगा व्हाइट निशान है, उसके नीचे 3 बीट्स हैं, तो बच्चा बता देगा 3, तो उसको आप ऐसे करके दिखाएंगे 3। तो ये सब चीजें इसके अंदर भी आप फ्लैश कार्ड क्लासरूम में यूज करते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा चेक करने के लिए, खासकर छोटे बच्चों, बड़े बच्चों को चाहे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। अब जैसे ये वाला है तो ये वाइट निशान है, इसमें नीचे बीट्स काउंट करें 1 2 3 4, इसमें 4 ही नीचे हो सकती हैं, इससे ज्यादा हो नहीं सकती। तो बच्चों को ऐसे दिखाएं कितने हैं, तो बच्चा बोलेगा 4, तो इसको 4 दिखा सकते हैं आप लोग। अब ऐसे जैसे ये है तो ऊपर 5 की बीट है, नीचे 1 की, सारी टच है, तो 5 6 7 8 9, इसमें टोटल 9 ही होते हैं। तो बच्चों को ऐसे दिखाएंगे आप फ्लैश कार्ड्स को, मान लो फ्लैश कार्ड यूज नहीं करना चाहें तो यहां भी बच्चों को इस तरह मिल जाएगा। तो इसको बच्चों को कितना भरना है इसके अंदर, 9, या बच्चों पूछेंगे कितने हैं तो बच्चे बताएंगे 9, क्योंकि ऊपर वाला 5 है, नीचे वाले 1 के हैं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा ना वो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे बोलेंगे, और जो समझ जाएंगे वो बोलेंगे 5 फिर 1 2 3 4 5 4 9, ऐसे करके, तो 9 इसका सही आंसर है। ऐसे करके वो जो कार्ड दिखाएंगे तो 9 दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर है। तो इसमें बस यही भराना ऊपर वाले रो में, छोटे अभी इस बुक के अंदर ही बताऊंगा मैं, ऐसे नीचे बीट्स बनवानी है, यहां तक क्लियर है। पेज नंबर 2, इसमें हम लोग ये जो अभी किसके बीट्स हैं सेंटर लाइन के, इसको यहां पे इसकी वैल्यू, ये सेंटर लाइन ही समझे आप, इसकी वैल्यू डिजाइन बीट्स बने हुए हैं और बच्चे को आंसर भरवाने हैं ताकि बच्चे इसको अभिकस की बीट्स को समझे, इसकी वैल्यू को समझे। तो इसमें 2 आंसर भरा हुआ है, तो 1 एंड 2, तो 2 आंसर भरा हुआ है। और इसके पहले वीडियो में हमने सीखा था बीट्स की वैल्यू, तो नीचे की जो बीट्स होती हैं 1 की होती हैं इनकी वैल्यू, और ऊपर वाले बीट्स की वैल्यू कितनी होती है, 5। और पेज नंबर 1 में हमने ये भी सीखा था अभिकस कैसे पकड़ते हैं, तो लेफ्ट हैंड्स की लास्ट 2 फिंगर एंड थम से पकड़ते हैं। क्लियर कैसे करते हैं, इस तरह से, ये आपको आगे भी बताते रहेंगे क्योंकि ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अभिकस पकड़ना, अभिकस क्लियर करना। हालांकि इस पेज में इन दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है, ना तो अभिकस की ज़रूरत है ना कोई क्लियर करने की ज़रूरत है, अभी तो इस वीड्स की वैल्यू पहचानने की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखो इसमें अब नीचे कितने, 1 2 3, तो यहाँ पे बच्चों कितने आंसर भरवाने हैं, 3। इसके पहले हमने ऊपर 5 भरे हुए थे क्योंकि वो बीट्स ऊपर थी, 5 नीचे वाली 1 की, ऊपर वाली 5 की होती है। ये कितने हैं, तो जो बच्चे समझ में, जिन बच्चों को नहीं आएगा तो वो तो बोलेंगे 1 1 2, लेकिन ये 2 नहीं है, ये कितने हैं, 5 और 1 6। हमको तो समझ में आ जाता है, हम तो बड़े लोग हैं, बच्चों का विशेष ध्यान रखना होता है। ऐसे करके यहाँ पर कितना, 1 2 3 4, यहाँ पर 5 6 7 8, और यहाँ पे 5 6 7 8 9, इसमें मैक्सिमम 9 ही हो सकते हैं, इसको आप देख लीजिए,
5, 6, 7, 8, 9 ठीक है। अब उसके नीचे क्या है कि आपको आंसर भर रखें और बीट्स बनानी है, तो ये कितने 4। तो बच्चों को आप ऐसे भी डिजाइन बनवा सकते हैं, जरूरी नहीं बिल्कुल डिटो बीट्स वैसी बनाए जैसा बुक में बना हुआ, ऐसा भी बना सकता है। ये 3 है तो 3 बीट्स बनानी है, 1 ऐसे ऐसे सिंपल बना ले बच्चा, कोई बहुत ज़्यादा डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं, ऐसे को डिजाइन बनाए बीट्स कैसे करके कोई जरूरत नहीं, ऐसा सिंपल बना ले। 6, अब यहाँ पता पड़ेगा बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया। जिनको समझ में आ गया होगा तो वो तो क्या करेंगे 5 और 1, 6, और जिनको समझ में नहीं आएगा तो कंटिन्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है, 5, 1, 6 ऐसे बनेगा। ये 8 है, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर 5 है तो ऊपर ही आएगा, यहाँ पर 9 है, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह 9 बनेंगे। जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करेंगे, वो तो इसमें तो इतना है ही नहीं, ऊपर 1 बीड है नीचे 4 बीड है, तो टोटल ये 9 बनेगा, तो टोटल पूरा अबेकस पूरा फिल हो जाएगा। ये 2 है, 1 एंड 2, यहाँ तक क्लियर है बच्चों को। आप इस चैप्टर के साथ में फ्लैश कार्ड्स यदि आपके पास हैं तो वो भी दिखाएं, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोटे बच्चों को थोड़ा सा, बहुत छोटे बच्चे उनको दिक्कत आती है, बाकी बड़े बच्चों को तो आप एक बार बता देंगे समझ में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, और भी बहुत सारे आपके सवाल होते हैं उनको भी हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो अभी पेज नंबर 2 में हमने इसकी बीट्स की वैल्यू को एग्जैक्टली समझा है कि इसका मतलब क्या होता है। यहाँ तो बीट्स बने हुए थे और यहाँ तो बीट्स बने हुए थे और यहाँ पे हमने आंसर भरा है, और इसमें पहले से आंसर है और हमने बीट्स को बनाया। बीट्स सिंपल बना लें आप, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।